पुरानी पेंशन बहाली पर सफाई कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां यूपी के फतेहपुर जिले में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन व बाइक रैली निकालकर पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन को सौंपा डीएम को। ज्ञापन आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश फतेहपुर की इस खबर पर नजर, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। निकाल करके कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं, क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे, हमें लोग, हमें सफाई कर्मचारी संघ है हमारा, उसका जिला अध्यक्ष बाबूलाल पाल हूं और मेरे साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हमारे सबसे पहले है, हमारे विभाग की पंचायती राज विभाग सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनना चाहिए और किसी भी कर्मचारी का किसी जो है आम पब्लिक के हस्ताक्षर से वेतन नहीं निकलता, इसलिए प्रधानों से मुक्ति होनी चाहिए, पदनाम हमारा बदलना चाहिए। और पुरानी पेंशन अहम मुद्दा है, जो हर मेर हर कर्मचारी का नहीं, हर व्यक्ति का अहम मुद्दा है, क्योंकि उसके बच्चे कहीं ना कहीं वो नौकरी करेंगे और कर रहे हैं, करते होंगे। तो पुरानी पेंशन नेता कई कई ले रहे हैं, तो हमें कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक मरे नहीं, मौन थे हम, 22 में बताएंगे कौन है, हम ये सरकार को बता देंगे समस्त कर्मचारी। और हम मीडिया कर्मी से भी चाहते हैं, चूँकि क्या आप नहीं चाहते कि पुरानी पेंशन हो? आज कहां से कहां तक आप लोग? आज हम लोग जो है नहर का लोनी से और जो है पत्थरकटा पटेल नगर होते हुए माननीय जो है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कार्यालय तक आए कलेक्ट्रेट तक और ज्ञापन लिया माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। पदनाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पदनाम हमारा जो है पंचायत सेवक किया गया, पदनाम हमारा पंचायत सेवक किया जाए। मुख्य मांगे आपकी क्या है? मुख्य मांगे हमारी सेवा नियमावली बनाई जाए, पदनाम हमारा चेंज किया जाए, पुरानी पेंशन अहम मुद्दा, पुरानी पेंशन हमारा जो है सभी विभागों का पुरानी पेंशन, लेकिन पंचायती राज विभाग का पुरानी पेंशन और हमारी सेवा नियमावली, प्रधानों से मुक्ति, पदनाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल पाल, जिलाध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ। आप लोग किस तरीके से इसे देखते हैं? हमारा जो आज का एक कार्यक्रम था, फतेहपुर जनपद में 1400 कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं और इस प्रदेश में 1,08,000 कर्मचारी हैं। हमारी भी कुछ विसंगतियां हैं, उनके मांगों के लिए हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं और पूर्व में कई वर्षों से इन मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देते रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग है विभागीय सेवा नियमावली नहीं बनाई गई, जो अन्य विभागों में सभी विभागीय सेवा नियमावली बनी हुई है वो उसके तहत लाभ ले रहे हैं, हम लोग उससे वंचित हैं। उस क्रम में हम लोग विभागीय सेवा नियमावली सरकार द्वारा बनाए जाने के लिए मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन है हमारी, जो आज तक जितने विभाग हैं उन विभागों में किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा वेतन आहरण में सिग्नेचर नहीं कराए जाते, जो हमारे सफाई कर्मचारियों में प्रधानों के द्वारा हस्ताक्षर पेरोल पे हस्ताक्षर का वेतन निकलता है, उसके बंद कराए जाने के लिए हम लोग ज्ञापन में कालम रखे हैं, उसको मांग हमारी प्राथमिकता में रखी गई है। तीसरी मांग, हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था जो 2004 के बाद बंद है, जो आज रिटायर हो रहे हैं 2,000 रुपये पा रहे हैं, अब माननीय जो यहाँ पे लेके सांसद विधायक मुख्यमंत्री 4-4 पेंशन ले रहे हैं, उनसे मैं यही चाहूँगा या तो अपनी पेंशन बंद कर दे। जो एक गरीब कर्मचारी है जो 24 घंटा सेवा देता है, 60 साल तक सेवा देता है, उनकी पेंशन लागू कर दी जाए, जिससे उनका बुढ़ापा सिक्योर रहे और कम से कम दवा इलाज तो अपना करा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं जिला कर्मचारी संघ जिला महामंत्री। आगे की क्या कार्य योजना है आपकी? आगे की हमारी कार्य योजना प्रांतीय नेतृत्व के तहत हम लोग 23 तारीख को विधानसभा से लेकर माननीय मुख्यमंत्री आवास तक अपने ज्ञापन को लेकर उनसे मिलेंगे और अपनी बात कहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम? मेरा नाम प्रवेश कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी फतेहपुर जिला महामंत्री।